तो आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहीं घूमने का प्लान है क्या? आज हम जा रहे हैं छतरपुर मंदिर। अच्छा, मतलब आज घूमने का पूरा मूड है आपने बना रखा है? घूमने का भी मूड है और ऑडियंस को घुमाने का भी मूड है हमारा। अच्छा, ऑडियंस को भी घुमाने का मूड है, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उनको? जो वीडियो देखेगा उनको भी घुमाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे स्टोरी तड़का को। इसके बाद सभी लोग निकल पड़े छतरपुर मंदिर की ओर और चल पड़े ऑटो में बैठ करके। भाई पारस हर्षु तो आज बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं, उतर रहे हैं और अब ये लोग जाएंगे मेट्रो स्टेशन की ओर। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली की मेट्रो ट्रेन तो काफी स्पीड के साथ चल रही है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कब छतरपुर मंदिर पहुंचे और माता रानी के दर्शन पाए। तो आइए चलते हैं दर्शन पाने के लिए। अब हम हैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन में, अब हम जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम लोग पहुंच गए श्री माता कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, छतरपुर मंदिर। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इतना प्यारा भव्य दृश्य आज तक मैंने कभी नहीं देखा। वैसे दिल्ली का ये सबसे बड़ा दूसरा मंदिर है। जी हाँ, अब पहला मंदिर कौन सा है ये तो हम अगले ब्लॉग में ही बताएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इतना प्यारा मंदिर, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो बस देखते रहिए और आप भी आइए श्री माता कात्यायनी शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। और आप तैयार है ना? तो दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना 1974 में की गई थी। इसकी स्थापना कर्नाटक के संत बाबा श्री नागपाल जी ने की थी। इससे पहले यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, जिसमें बाबा नागपाल जी रहा करते थे और माता श्री माता कात्यायनी जी का एक छोटा सा मंदिर था। और आज यहाँ पर 70 एकड़ पर माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। और आप भी आइए इस मंदिर में, माता जी के दर्शन कीजिए। शक्तिपीठ माँ कात्यायनी माँ के दर्शन पाने के लिए लोग यहाँ पर हमेशा ही आते रहते हैं। और वैसे ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात के 10:30 बजे बंद होता है। तो आप तैयार हैं, एक बार आइए। और यहाँ पर नवरात्रों के दिनों में काफी भीड़ हुआ करती है और रात के समय इस मंदिर की जो शोभा है भाई देखते नहीं बनती, इतना प्यारा मंदिर दिखता है। लोग यहाँ लाखों की तादाद में आया करते हैं माँ के दर्शन पाने के लिए। दूर दूर से बसों और कारों से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। वैसे ऐसे बहुत से भक्त हैं जो नंगे पैर ही माँ के दर्शन पाने के लिए छतरपुर मंदिर पहुँच जाते हैं। बोलिए जय माता दी। दोस्तों, जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तब लाया गया सफेद संगमरमर पत्थर और उसी से इस मंदिर को सजाया गया। इसमें जो छोटी छोटी शिल्प कला की नक्काशियां हैं भाई देखती नहीं बनती, बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर को सजाया गया है। और काफी दूर से लोग यहां पर आते हैं माँ श्री शक्तिपीठ माँ कात्यायनी जी के दर्शन पाने के लिए। छतरपुर मंदिर पहुंचिए, आप भी दर्शन पाइए। दोस्तों, यहाँ पर श्री माँ शक्तिपीठ कात्यायनी माता के अतिरिक्त यहाँ पर और भी मंदिर हैं, जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्ण, गणेश भगवान, सभी देवताओं के यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर लोग श्रद्धा और लगन से पूजा पाठ करते हैं। वैसे आप लोग देख रहे हैं भाई, नंदी महाराज के कानों में लोग कुछ कह रहे हैं, जिन्होंने अपने दिमाग में मन में सोच रखा है महाराज हमारा ये काम हो जाए, तो वो कह के चले जाते हैं और इसके बाद श्री माँ शक्तिपीठ के दर्शन पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आई हूँ छतरपुर मंदिर और मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके आई हूँ। तो आपको ये बताइए कैसा लगा मंदिर, आप बताइएगा ये आपको कैसा मंदिर लगा। मैं आपको दर्शन कराती हूँ, मैंने आपको मथुरा के भी दर्शन कराया है और आपको मैंने वैष्णो देवी के भी
आज पारस और हर्षू छतरपुर मंदिर आए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं और ये आज बड़े खुश हैं। तो पारस जी, आप मंदिर में आए हैं, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा कि मैं आज माता का दर्शन करके ही गया। तो हर्षू जी, आपको कैसा लगा यह छतरपुर मंदिर? ये बहुत बढ़िया मंदिर है, ऐसा मंदिर हमने कहीं नहीं देखा है, जन्नत है मतलब कुछ। ओ, जन्नत की तरह, मतलब आप छतरपुर मंदिर आए हैं और आपको बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे देखने वालों को भी बताइए कि आप लोग भी आए। आप लोग भी आए, आप बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो आप पहली पहली बार आया हूँ, मुझे अच्छा बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप भी आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए। ये मंदिर दिल्ली में है, बहुत विशाल मंदिर है छतरपुर मंदिर, और आप भी आइए और कात्यायनी देवी के दर्शन करिए। जब भी आप छतरपुर मंदिर में आना चाहें श्री शक्तिपीठ माँ कात्यायनी के दर्शन पाने के लिए, तो आप कहीं भी हैं, जैसे आप नई दिल्ली में हैं, पुरानी दिल्ली हैं, या फिर कश्मीरी गेट है, तो सबसे पहले आप आइए छतरपुर मेट्रो स्टेशन, और वहीं से सीधा रास्ता यह है छतरपुर मंदिर के लिए। बस माँ के दर्शन पाइए, आशीर्वाद पाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। बोलिए जय माता दी। दोस्तों, छतरपुर मंदिर दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। ये मंदिर गुड़गावा महरौली मार्ग पर स्थित है। वैसे ये दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों, श्री शक्तिपीठ माँ कात्यायनी जी का श्रृंगार हर रोज सुबह 3 बजे से शुरू होता है, जिसमें एयर लिफ्ट से उनके वस्त्र आभूषण और फूल मालाओं को मंगाया जाता है, फिर माँ को सजाया जाता है। तो आप एक बार आइए, माँ कात्यायनी का दर्शन कीजिए। जय माता दी। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर श्री संत नागपाल महाराज जी का भी मंदिर है, जहां बाबा की प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। यहां बने बाबा के शयन कक्ष, बैठक और मोम से बनी प्रतिमाएं एकदम आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगी, और बाबा जी के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद पाइए। चारों तरफ खूबसूरती का माहौल है, लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक इस ग्राउंड में घूमते रहते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो अंदर काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं मन की शांति को प्राप्त करने के लिए। माँ के स्वरूप को मन में रखते हुए, अपनी इच्छा को उनके चरणों में रखते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं, और चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है, बड़ी शांति का प्रतीक है ये मंदिर। तो ये मंदिर छतरपुर में है, एक बार आप ज़रूर आइए। दोस्तों, हम इस मंदिर की सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, एक बार आप जरूर आइए। चारों तरफ संगमरमर पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। यहाँ मन की शांति को प्राप्त करने के लिए घंटों तक बैठे रहते हैं, और भक्ति भजन की जो आवाजें हैं, जो गूंज है हमारे कानों में गूंजती रहती है। माँ कात्यायनी माँ के भजन धीरे धीरे से चलते रहते हैं। दोस्तों, यही वो पेड़ है जो सदियों से है, जिसकी लोग पूजा अर्चना सदियों से करते आ रहे हैं। वैसे लोगों का मानना है कि श्रद्धालु जब भी यहाँ पर आते हैं तो रंग बिरंगी चूड़ियाँ, धागे या फिर चुनरी यहाँ पर बांधते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो एक बार आप भी आइए और इस पेड़ में अपनी जो मनोकामना की जो भी आप इच्छा रखते हैं, वो एक बार चुन्नी के रूप में बांधिए, और फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए जय माता दी, श्री शक्तिपीठ माँ कात्यायनी देवी की जय। आप एक बार इस मंदिर में जरूर आइए, छतरपुर मंदिर जो दिल्ली में स्थित है, बहुत ही विशाल मंदिर है। तो तैयार हैं आप? दोस्तों, मंदिर के बाहर छोटे छोटे होटल स्टॉल वगैरह बने हुए हैं, जहां पर आप खा पी सकते हैं। वैसे मंदिर के बाहर एक धर्मशाला भी है, जहां पर आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। फिर मिलेंगे, कॉमेंट्स जरूर करना।